आज की वीडियो में बात करेंगे कि एमएस में बच्चे बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। तो देखो, इसमें इन बातों को समझाने के लिए आपको दो पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, क्यों आप बार बार फेल होते हैं, और दूसरी बात करेंगे अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी अब किस तरीके से पास किया जाए, यानी फेल होने वाली जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो इन बातों को डिटेल में मैं आज की वीडियो में समझाने जा रहा हूं। आप समझना चाहते हो, आप परेशान हो बार बार फेल होके, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आपके जानने में कोई दूसरे ऐसे हैं जो एमएस में बार बार फेल हो रहे हैं, तो वहां तक इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हाथ जोड़ो, मेरे साथ बोलो जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम अपने इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहली बात की, आप फेल क्यों होते हो। अगर फेल होने की बात करें तो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है कि आपका जो स्टडी का जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका गलत होता है। किस तरीके से समझो, बात करते हैं कि जैसे जो सीबीएसई के जो रेगुलर स्कूल होते हैं या बाकी स्टेट बोर्ड कोई भी हो, केवल जरूरी नहीं सीबीएसई, मैं बात करना चाहता हूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो उनका एक टाइम शेड्यूल है, यानी एक टाइम मैनेजमेंट है कि आपको डेली स्कूल जानी है। जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई भी होगी, उसके बाद जो है उनको क्या करना होता है, फिर उस होमवर्क को करना होता है, बकायदा वो ट्यूशन भी लेते हैं, जिस वजह से उनका एग्जाम जो है इजीली क्लियर होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे एनएस की, तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास मजबूरी रही है या फिर किसी और कारणवश जो है आपने एनएस में अपना एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पे रेगुलर स्कूल नहीं है। बातों को समझो, यहाँ पे रेगुलर स्कूल नहीं है, तो जब रेगुलर स्कूल नहीं है तो यहाँ पे जो आपका स्टडी यानी जो आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम की जो तैयारी करोगे, उसका मैनेजमेंट ही आपका खराब हो जाता है। तो अब आप ये सोचते हो कि चलो अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं है टाइम तो किसी और टाइम पढ़ लेंगे, तो वो जो कभी पढ़ लेंगे वाला जो सिस्टम होता है, इस वजह से आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की आ जाती है जो बच्चे जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल सी बात है उनके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। नॉर्मल सी बात है, एक 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब कोई आता है घर पे तो उस तरीके से पूरी तरीके से थका रहता है और उसमें एनर्जी नहीं रहती कि वो अब बैठ के पढ़ाई कर सके, क्योंकि खाना भी खाना है और बाकी सारे काम हो और उसके बाद फिर सुबह कल को ड्यूटी के लिए भी निकलना है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकता हूं कि आपके लिए जो है ये टफ हो जाता है, जिस वजह से आप फेल होते हैं। और बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या बन जाता है हमारा, फेल होने के कारण बता रहा हूं समझो। तो इसमें ये हो जाता है, आप ये सोचते हो कि अभी एग्जाम के तो बहुत टाइम है, एग्जाम नजदीक आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, 2.5 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, पुराने टेंशन उठा लेंगे, एग्जाम को देखेंगे उसमें क्या क्या आया हुआ है, पढ़ लेंगे और पेपर निकल जाएगा। तो नॉर्मल सी बात हो जाती है, इस कंडीशन में आप क्या करते हो, आप जो है टाइम पे स्टडी नहीं करते और आप सोचते हैं कि जब कम टाइम बचेगा तब कर लेंगे। एक बात बताओ, जो पूरा अगर पुराना 10 ईयर्स ही उठा लेते हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा लेते हो वो तो आए हुए हैं। दूसरी बात, जो एग्जाम बनाने बैठा हुआ है क्या उनको नहीं पता कि बच्चा कहाँ से और क्या सोच सकता है, उनको खूब पता है क्योंकि वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो आपके एग्जाम का पैटर्न क्लियर करते हैं, जिनका काम ही यही है। बकायदा वो एक टीम बैठी हुई है जो इन बातों को जानती है कि एग्जाम के जो है क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करने हैं, यानी किस तरीके से एग्जाम को तैयार करना है, परीक्षा को बनाना है आपके लिए। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई, सभी बातें मैंने डिटेल में समझा दिया कि आपके बार बार फेल होने का कारण क्या है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, तो दूसरी पॉइंट सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जरा पिछले पॉइंट में एक छोटी सी बात बता दूं। आप दिमाग से निकाल दो कि एनएस का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ होता है, बात समझ रहे हो, इसको दिमाग से निकाल देना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखो, सॉल्यूशन का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको जो कारण था, बात समझो, जो कमी थी जिसकी वजह से आप जो है फेल हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी यहीं से निकलता है कि जो कमी हमारी है उस कमी को दूर करो। तो जब उस कमी को दूर करोगे तो फिर जो है आप जो है पास हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अब सॉल्यूशन में प्रॉपर आप मुझसे सुनना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं। तो देखो, आपके पास जो है 3 तरीके के रास्ते निकल के आते हैं।
सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि अगर आप हमारे ट्यूशन के नजदीक रहते हैं और आप यहाँ पे हमारे सेंटर पे आगे पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे आइए और क्लास ज्वाइन कीजिए और अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कीजिए फिर टाइम रहते। और क्योंकि हम आपका बकायदा वीकली टेस्ट भी करते हैं, जिस वजह से आपको इतनी हैबिट हो जाती है कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो किसी तरीके का जो है पैनिक है ना, डर वाला माहौल वो नहीं रहेगा। पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आप हमारे नजदीक हो लेकिन 4-5 किलोमीटर के अंदर में आते हो, यानी कि कहने का मतलब है कि आप नहीं आ सकते, दूर हो। तो अगर 4-5 किलोमीटर के अंदर के रेंज में आप हैं तो हम आपको जो है होम ट्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, समझ रहे हो। आप होम ट्यूशन ले सकते हैं और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट, समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब आपके पास जो है आप 4-5 किलोमीटर नहीं, आप स्टेट से बहुत दूर हो और आप बहुत दूर रहते हो, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है आना। तो इस कंडीशन में आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारा ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप जानते हैं ये जो तीन तरीके जो हमने आपको समझाए, ट्यूशन पे आके पढ़ो, होम ट्यूशन ले लो या फिर ऑनलाइन ले लो, इसमें हम आपको 1 घंटे की क्लास देते हैं। देखो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मेहनत है उस मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं कुछ हो सकता, मेहनत का विकल्प यही है कि आप मेहनत करो। मेहनत करने का मतलब ये भी हो जाता है कि वो पढ़ाई करनी चाहिए आपको कि जो आपके एग्जाम में आए। और दूसरी बात होती है कि जो मैं आपको समझाऊंगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है, वो आपकी कॉपी से आपके दिमाग तक पहुंचेगा। बात समझ रहे हो, जब दिमाग तक पहुंचेगा तभी तो आप एग्जाम दोगे, क्योंकि वहां पे तो आप कॉपी लेके नहीं जा रहे हो। और दूसरी बात नॉलेज है, आपको नॉलेज भी तो बढ़ानी पड़ेगी। पॉइंट समझ रहे हो, नॉलेज बढ़ाओगे तभी तो अपना बेस अच्छा बनाओगे। अगर आप कुछ आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो, और कुछ नहीं भी आगे पढ़ना चाह रहे हैं या 10th 12th के बाद आप ड्रॉप करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, फिर भी तो नॉलेज तो रहनी चाहिए, नॉलेज तो जरूरी है। बात समझ रहे हो। तो अब बात आ जाती है, आगे चलते हैं, आप चाहे तीनों तरीके में से, आप चाहे किसी भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 घंटे की जो हम क्लास देते हैं आपको रेगुलर वो होना है। और हम रखते हैं केवल 10 स्टूडेंट, मैक्सिमम हमारे पास कितने होते हैं 10 स्टूडेंट्स होते हैं, 10 से एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, ताकि हम आपकी एक एक बच्चों की बातों को सुन सके, आपके वर्क को देख सके, आप क्या कर रहे हो, आपकी कॉपियां चेक कर सके। तो इसमें 10 स्टूडेंट मैक्सिमम होता है, 1 आवर क्लास होगी, प्लस हम आपको अपनी वीडियो भी देंगे जो आप देख के रिविजन करेंगे। और साथ में वीडियो से मतलब क्या है कि जो आपकी प्रॉब्लम है केवल वही वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं, आप मेरे चैनल पर आके देख सकते हो, यहाँ पे केवल वही मिलता है वीडियो जो कि हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बस। और ज्यादा वीडियो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, चाहे व्यूज कम हो उससे हमें क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके आगे जो है हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपना जो है डिस्कस प्रॉपर कर सकते हो। तो इस तरीके से पढ़ाई जो है आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो ये जो बार बार फेल होने वाला सिस्टम है, क्या आप इससे निकलना चाहते हो? अपने आप से पूछो, एक बार आंख बंद करके पूछो, क्या आप निकलना चाहते हो? हाँ, जवाब हाँ मिला, नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करो और आप जरूर पास होंगे। पास क्या, हम परसेंटेज की बात करते हैं, पास तो एक गिफ्ट है, वो फ्री में मिलेगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, कमेंट करो और कुछ कहना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।